फिल्में फॉरेन में लोकेशन पे शूट होती है ना, तो हम तो हमारी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान की जो आबादी है, इतनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, और जो टूरिस्ट करते हैं, जो वर्ल्ड की टूरिज्म में जाते हैं, तो हिंदुस्तानी लोग ये फिल्म देख के जाते हैं, जो लोकेशन देखते हैं उस जगह जाते हैं कि ऐसी अच्छी जगह ये, तो उन कंट्रीज़ को सोचना चाहिए कि जिनकी कंट्रीज़ को टूरिज़्म बढ़ाना है, तो उनको ऐसा सब्सिडीज वगैरह देंगे तो लोग फिल्म करने शूट करने जाएंगे और इतनी टूरिज़्म बढ़ेगी। मैं जब लोकेशन के लिए देखता हूँ तो एक वैरायटी को देखता हूँ। नेचुरली लोग ज़्यादातर लोकेशन सी साइड को देखते हैं। मुझे सी साइड भी चाहिए, कुछ माउंटेन साइड भी चाहिए, छोटे टाउन्स मेरे को अच्छे लगते हैं। लोकेशन जो होती है, इट इज़ डेफिनेटली अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ अ स्क्रिप्ट। जैसे हमारे सोल्जर पिक्चर में हमने एक्सप्लोर किया जो राजस्थान जो था, जयपुर, बहुत अच्छी एक्सप्लोर भी हो रही है। तो बात यह है कि भाई हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जो सबको हेल्प करती है फिल्म इंडस्ट्री को लोकेशन से को शूट करने में, रहने में, हर जगह के परमिशंस में, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। आज चले जाइए हिमाचल साइड, यहाँ साइड, जितना एमपी गुजरात आदि को भूज अच्छी, आज गुजरात के अंदर का एक एक लोकेशन है, प्लस आज बंगाल साइड, कोलकाता साइड, आज एक एक ब्यूटीफुल लोकेशन है, मगर सब डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर यहाँ का सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ आप लोगों को शूटिंग करनी चाहिए।